गुरु जी के साथ तो टाइम संगत जी पता ही नहीं चलता। जिस दिन सत्संग होता है उस दिन तो टाइम ऐसे निकलता है सुबह से, जैसे आज तो बिल्कुल लाइक टाइम का पता ही नहीं चला कि मुझे कब क्या काम करना था, कैसे 4 बज गए, मैं खुद हैरान हो गई। एक तो उस दिन एक्साइटमेंट भी होती है कि हाँ आज सत्संग करना है, और इसीलिए एक्साइटमेंट में जल्दी जल्दी से टाइम निकलवाते हैं गुरु जी। गुरु जी से अरदास करते हैं कि जो भी सत्संग और संगत नई संगत जरूर जुड़े अगर वो ये सत्संग सुने। तो संगत जी स्टार्ट करते हैं गुरु जी के आशीर्वाद से। संगत जी, गुरु जी के साथ जो जर्नी है वो मेरी 31 दिसंबर 2020 में स्टार्ट हुई थी, और बहुत बेस्ट डे था वो मेरी लाइफ का जो चल रहा है। थैंक यू गुरु जी मुझे अपने चरणों के साथ जोड़ने के लिए। जैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ऐसे ही गुरु जी सबकी जर्नी स्टार्ट करें, सब गुरु जी के साथ जुड़े, जो जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़े, जो नहीं जुड़ना, जिनको नहीं पता गुरु जी के बारे में कुछ भी, वो भी गुरु जी के साथ जुड़े। गुरु जी ऐसी कृपा करें। संगत जी, मेरी जो जर्नी जब स्टार्ट हुई तो 2020 में, उस टाइम मैं, मुझे इतना गुरु जी के बारे में नहीं पता था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पता था। तो मैं गुरु जी से जुड़ना चाहती थी, मैं खुद विलिंग थी कि हाँ मुझे मतलब मैं उनके बारे में सुनती थी। नेट पे भी मैंने फाइंड आउट किया बहुत सारी चीजें गुरु जी के बारे में, सत्संग सुने। संगत जी, जो मैं मेन जुड़ी गुरु जी से वो मैं सत्संग सुनकर जुड़ी। सत्संग सुनने के बाद मुझे गुरु जी के बारे में पता चला कि अच्छा, गुरु जी की महिमा, इतनी महिमा है गुरु जी की। उस चीज से मेरा विश्वास पक्का होने लगा गुरु जी में, और उसके बाद धीरे 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 गुरु जी के साथ पूरे अच्छे से गुरु जी ने हमें अपने साथ कनेक्ट किया। तो जब मैं विद फैमिली बड़े मंदिर गई थी, वहां से मुझे गुरु जी का स्वरूप मिला था। संगत जी, मैं हर बार भूल जाती हूँ, मैं हर बार सोचती हूँ कि आज मैं जब सत्संग करूंगी तो मैं अपना वो पॉकेट स्वरूप दिखाऊंगी संगत को, जो मुझे गुरु जी के वहां से मिला था बड़े मंदिर से। फर्स्ट स्वरूप था जो, जिसके साथ, जिस स्वरूप के साथ मेरी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई, और मैं हर बार भूल जाती हूँ इस चीज को। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी सत्संग करूंगी मैं जरूर वो वाले गुरु जी भी अपने साथ यहाँ पे पॉकेट स्वरूप रखूंगी, ताकि आप लोग को भी उनके दर्शन हो। बहुत बहुत पावर है गुरु जी में। मैं उन स्वरूप के आगे बैठकर ही अरदास करती हूँ। वैसे तो जितने भी जो भी स्वरूप है, अब जो ये पीछे लगे हुए हैं येल्लो वाले, इनमें भी बहुत पावर है संगत जी। मुझे बहुत, मेरा मन था कि हमारे घर येल्लो स्वरूप वाले गुरु जी जरूर आए, येल्लो चोला में। और संगत जी, हम जिस भी चोला के बारे में, अगर हम चाहते हैं ना कि हमें ये वाले, इस वाले चोले में गुरु जी का स्वरूप हमें मिले, या उसमें, जिसमें भी आप चाहोगे, देखना आपको जरूर उसी में ही मिलेंगे। गुरु जी सुन लेते हैं कि इनको कौन से स्वरूप में मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। गुरु जी तो हमारे रॉक स्टार हैं, हर चीज में बहुत अच्छे लगते हैं। पर मेरे, जब मैं बड़े मंदिर गई थी तब मैं चाहती थी कि मुझे पॉकेट स्वरूप मिले, और वो भी क्रीम वाला, तो मुझे क्रीम वाले मिले। उसके बाद मैं एक सत्संग में गई तो जहां मैंने फिर से विश किया कि मुझे येलो वाले स्वरूप मिल जाए, और मुझे येलो वाले मिले। फिर एक सत्संग में संगत जी मैंने विश किया कि मुझे क्रीम चोले में, एक क्रीम चोला है उसके अंदर गोल्डन लाइट लाइट ऐसे जैसे बूटियां होती हैं ऐसे है, तो मैंने वो विश किया कि मुझे वो, किसी दिन ऐसे सत्संग में गई थी कि वो मिले आज मुझे। तो संगत जी वो मिल जाते हैं हम लोग। आप भी देखना, आप जो भी स्वरूप को चाहोगे ना कि हमें ये वाले स्वरूप मिले, हमें वो मिल जाते हैं संगत जी, अगर हम उन्हें बिल्कुल दिल से चाहते हैं। गुरु जी में आस्था और विश्वास बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें हैं आपकी गुरु जी में, तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता संगत जी। गुरु जी आपका हाथ पकड़ लेते हैं, और जब गुरु जी हाथ पकड़ते हैं तो आप, आपको किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती संगत जी लाइफ में, जब गुरु जी हाथ पकड़ लेते हैं। हमेशा गुरु जी से यही मांगिए, अगर मांगना है तो ये मांगिए कि गुरु जी मेरा हाथ पकड़ लो, बस। इसके बाद सारी टेंशन्स गुरु जी की हो जाती हैं कि अब मैंने इसका हाथ पकड़ लिया, अब इसको लाइफ में किस टाइम पर किस चीज की जरूरत है वो गुरु जी फिर खुद ही देखते हैं, फिर हमें कहना नहीं पड़ता। और हाँ संगत जी, अगर आपको ऐसा नहीं है कि गुरु जी के साथ जुड़ के कुछ मत मांगो, कुछ मत मांगो, नो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। अगर आप मांगना चाहते हैं तो आप गुरु जी के आगे अरदास जरूर कीजिए। जिस चीज को आप, आपको कोई टेंशन है, आपको लगता है कि कोई चीज हमारे लिए रिक्वायर्ड है, तो आप उसकी अरदास जरूर कीजिए।
अगर तो वो गुरु जी दे दें तो ठीक है, बट अगर वो नहीं दें तो उनसे कभी भी आप डिसअपॉइंट मत होइए कि गुरु जी ने मुझे नहीं दिया। संगत जी जो हमारे लिए अच्छा होगा गुरु जी हमें दे देंगे। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमने नहीं मांगी और फिर भी हमें गुरु जी दे देते हैं जो हमें पता नहीं होता, क्योंकि गुरु जी नोज बेटर देन अस, है ना, कि हमारे लिए क्या अच्छा है। पर फिर भी कई बार मन करता है कि नहीं गुरु जी मैं कभी हमारा मन परेशान होता है तो हम गुरु जी के आगे बैठकर कहना चाहते हैं कि गुरु जी हम ये आपसे मांगना चाहते हैं, पर फिर हम रुक जाते हैं कि नहीं, कहते हैं गुरु जी मैं कुछ मांगना नहीं है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप मांगिए, पर उसको गुरु जी के ऊपर छोड़िए उस डिसीजन को कि गुरु जी अगर आपको ठीक लगे तब आप मुझे देना। इससे क्या होगा कि अगर आपको वो चीज मिल गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिली तब आपका मन उदास नहीं होगा कि मुझे नहीं दिया गुरु जी ने। तो इसीलिए संगत जी गुरु जी पे फुल फेथ रखिए और गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए, डेली कीजिए अपने घर में। संगत जी मेरे ऐसे तो मेरे बहुत सारे सत्संग हैं गुरु जी के साथ। गुरु जी ने मुझे जब बड़े मंदिर में अपने साथ जोड़ा था तो जिस तरीके से जोड़ा था कि मैंने सबसे छोटा पॉकेट स्वरूप जो चाहा मांगना सेवादार अंकल से, मुझे कहीं से नहीं मिल पा रहा था। और मुझे कब तब मैं सत्संग में भी नहीं जाती थी क्योंकि मेरी जर्नी अभी स्टार्ट हो रही थी धीरे धीरे, तो इसीलिए मेरे पास तो कोई स्वरूप नहीं था। और मैं सोचती थी कि मैं डाउनलोड भी करूं ना करूं, मतलब थोड़ा डाइसी चलता था दिमाग के, करना चाहिए कि नहीं ऐसे, या जो ब्लेसिंग में मिलेगा वही, उसी की पूजा करनी है। तो ये चाहती थी मैं कि मुझे ब्लेसिंग में मिल जाए वो। तो मुझे वहां सेवादार अंकल जिन जिन से मैं पूछती रही बड़े मंदिर जिस दिन मैं गई, सबने रिफ्यूज किया कि नहीं आंटी ये कोविड टाइम चल रहा है इसमें स्वरूप नहीं मिल सकता। लेकिन जब मैं वही एग्जिट पॉइंट पर आई, वहां जब मैंने एक सेवादार अंक, जब मैं बिल्कुल होपलेस हो गई कि अब मुझे स्वरूप नहीं मिल पाएगा, तो जब मैं एग्जिट पॉइंट पर आई वहां आकर गुरुजी ने मुझे अपना स्वरूप, एक सेवादार अंकल ने मुझे अपने वॉलेट में से निकालकर अपना स्वरूप दिया था। संगत जी तो ये महिमा किसकी थी? गुरु जी की। इसीलिए जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि गुरु जी ने दिलवाया था संगत जी। और ऐसे ही संगत जी एक बार क्या हुआ, मैं शिव मानस मंदिर गई थी, जो मैं चंडीगढ़ से हूँ तो 30 प्रब्यून चौक के आगे इंडस्ट्रियल एरिया में शिव मानस मंदिर है, गुरु जी का मंदिर है वो। आप भी जरूर गए होंगे, अगर कोई नहीं गया है तो जरूर जाके आइए। वहां पर ऊपर एक गुरु जी का एक रूम है, वहां पर संगत जाती है। तो एक दिन मैं अपने बेटे की पीटीएम में जा रही थी, अभी कुछ लास्ट 15-20 डेज पहले की बात है। तो जब मैं पीटीएम में जा रही थी तो बाहर मंदिर के बाहर ना शिवलिंग बने हुए हैं बहुत बड़े, तो मैं वहां पर ऐसे मत्था टेका कि ठीक, मैं अकेली थी तो मैंने बोला कि ठीक है गुरु जी मैं ना आते हुए आपका मत्था टेक कर घर जाऊंगी, अभी तो मेरे साथ बच्चे भी नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है, जो मुझे कहते कि नहीं अभी घर चलो, अभी लेट हो रहे हैं, अभी ये काम है वो काम है। तो मैं अकेली थी तो मैंने सोचा चलो मैं मत्था टेक कर जाऊंगी। तो जब मैं पीटीएम से फ्री हुई उसके बाद मैं गुरु जी के मंदिर गई और मैंने वहां बहुत अच्छे से आराम से बैठ कर मत्था टेका। तो संगत जी जब मैं वहां से निकली बाहर, उस दिन बारिश हो रही थी बहुत, तो जब मैं वहां से बाहर वापस निकली तो जब जब मैं रोड पर आई, मैंने वहां से यू टर्न लिया। तो जैसे ही मैंने यू टर्न लिया, वहां पे यू टर्न मना है और मैंने ये पढ़ा नहीं, मैं पहले भी ले लेती थी, मुझे कभी किसी ने कहा ही नहीं, वहां पुलिस वाले नहीं खड़े होते, और बाई चांस उस दिन पुलिस खड़ी थी वहां। और मैंने तो सोचा कि मैं हमेशा लेती हूँ यू टर्न तो आज भी ले लेती हूँ, मैंने यू टर्न ले लिया। जैसे मैंने यू टर्न लिया पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया कि आप रुकिए, आपने तो मुझे कहते गाड़ी से बाहर आइए, आपने गलत यू टर्न लिया है मैम। तो मैंने सोचा जब मैं जिस टाइम मुझे रोका पुलिस वालों ने, उसी टाइम मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी अब मुझे बाहर जाना है गाड़ी के, प्लीज मेरा चलान मत कराना। और मुझे ये था कि मेरे पास वॉलेट भी नहीं है जिसमें मैं अपना लाइसेंस रखती हूँ, तो क्योंकि वो मेरे अकॉर्डिंगली वो घर पर था और मैं दूसरा पर्स लेकर गई हुई थी। तो संगत जी जब मैं उतरी वहां से, गाड़ी से उतरी, तो उन्होंने बोला कि आपने तो रॉन्ग यू टर्न लिया है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कि एक्चुअली ना मैं गुरु जी का मत्था टेकने आई थी। संगत जी मुझे नहीं पता वो गुरु जी के बारे में जानते थे कि नहीं, जानते होंगे शायद से, क्योंकि मंदिर के बिल्कुल सामने ही जब यू टर्न लेते हैं सामने ही मंदिर है। तो मैंने कहा मैं तो गुरु जी का मत्था टेकने आई थी, वेरी सॉरी, मैंने अगर ये यू टर्न नहीं लेना था और मैंने ले लिया, ये मेरी गलती है,
आई अग्री, बट अभी प्लीज आप मुझे अभी इस बार छोड़ दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल ध्यान रखूंगी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, वो सुनने लगे मुझे ध्यान से कि अच्छा ये गुरुजी का मत्था टेकने आई थी, कोई गुरुजी होंगे जहाँ मत्था टेकने आई थी। तो संगत जी उसी टाइम उन्होंने बोला अच्छा चलो चलो मैम अभी इस बार आपको छोड़ देते हैं, बट नेक्स्ट टाइम प्लीज ध्यान रखिए, नहीं तो नॉर्मली संगत जी वो लोग तो छोड़ते ही नहीं। और चंडीगढ़ में तो वैसे ही ट्रैफिक पुलिस इतनी स्ट्रिक्ट है कि आप जितनी मर्जी रिक्वेस्ट कर लीजिए वो नहीं छोड़ते हैं, चांस की बात होती है कि वो छोड़ दें। पर मुझे इतना 100% पता था कि मैं गुरुजी का मत्था टेक कर आई हूँ, मेरा चलान नहीं हो सकता। अच्छा उन्होंने मुझे बोला आप लाइसेंस दिखाइए, तो मैंने बोला कि लाइसेंस, मैंने कहा शायद मेरा वॉलेट घर पे रह गया है। तो वो मेरे फेस की तरफ देखने लगे कि एक तो यू टर्न लिया, ऊपर से वॉलेट भी नहीं लाई है, ना ही इसके पास लाइसेंस है, पता नहीं क्या कर रही है। तो जब मैंने उनको कहा कि मैं ना मत्था टेकने आई थी गुरुजी का और मैं अभी चेक करती हूँ अगर मेरे गाड़ी में वॉलेट पड़ा होगा, तो जैसे मैंने डैशबोर्ड खोला संगत जी उसके अंदर वॉलेट था, जबकि वो मेरे को मुझे मैं उसको कुछ 8-10 दिन से ढूंढ रही थी कि मेरा वॉलेट कहाँ है, मुझे नहीं मिल रहा था। मुझे ये था कि मैंने गाड़ी में रखा था बट उसके बाद निकाल लिया था, अब मुझे नहीं पता वो कैसे उसके अंदर था, नहीं निकाला था उसके अंदर ही पड़ा रह गया। अगर मैं निकाल लेती तो वो 100% मैं घर छोड़ आती, क्योंकि मैं एट अ टाइम एक ही पर्स उठाती हूँ, मोस्टली मैं वॉलेट छोड़ देती हूँ घर पे कि अच्छा चलो कोई बात नहीं जल्दी जल्दी में रह जाता है मुझसे। तो अच्छा हुआ कि मैंने उसको निकाला ही नहीं, मुझे लगा कि मैंने निकाल लिया बट मैंने नहीं निकाला था संगत जी, मुझे उसी टाइम उन्होंने छोड़ा। मैंने जय गुरुजी किया, शुक्राना गुरुजी किया, मैंने कहा गुरुजी मुझे पता था आप मेरा चलान तो नहीं होने दोगे, मुझे शिव मानस मंदिर में बुलाकर ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं था ना कि चलान हो जाता। तो संगत जी ऐसे गुरु जी के ऐसे ही छोटे छोटे से सत्संग है। एक बार एक और है छोटा सा सत्संग मैं आपको बताती हूँ। एक बार ना मैं गऊधाम मनसा देवी में है ना जो, वहां पर सत्संग रखा हुआ था, ये भी अभी लेटेस्ट सत्संग लेटेस्ट ही है, हाँ ये कोविड ये जो अभी लॉकडाउन लगा इससे पहले का ही है। तो वहां पर मैं गई अपनी फैमिली के साथ, तो वहां पर जब मैं लाइन में हम लोग लगे हुए थे मत्था टेकने के लिए, तो वहां पे संगत जी मेरे मन में ऐसे आया कि काश मुझे ना फर्स्ट रो में, जब अभी मत्था टेक के इधर लेफ्ट की तरफ टर्न करना था बैठने के लिए, तो मेरे मन में आया कि काश मुझे फर्स्ट रो में किसी तरह मिल जाए, चाहे एक सीट मिल जाए। तो संगत जी और इतना रश था वहां पर, इतने लोग थे, तो वो तो पॉसिबल नहीं था कि फर्स्ट रो में कैसे मिलेगी, वो तो पीछे तक भरा हुआ था सारा। तो जैसे संगत जी मैंने वहां पे मत्था टेका गुरुजी के आगे दरबार में खड़े होकर, तो मैंने ऐसे मांगा नहीं कि मुझे यहां पर मिल जाए, मैंने जस्ट वैसे विश किया, मेरे मन में वैसे ही आया एक थॉट आया छोटा सा कि काश मुझे फर्स्ट रो में सीट मिल जाए बैठने के लिए, है ना नीचे। जैसे मैं मत्था टेक के, आंखें बंद थी मेरी, जैसे मैंने मत्था टेक के आंखें खोली और मैं इधर को टर्न किया, संगत जी वो फर्स्ट रो पूरी खाली करवा दी थी सेवादार अंकल ने, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं इतनी हैरान थी कि फर्स्ट रो कैसे खाली करवा दी, बाकी सारी रोज भरी हुई है। और ना मैं उस टाइम इतनी खुश हो गई ना वहां पे, इवन मुझे ही नहीं, मेरी फैमिली को भी जगह मिल गई वहां पे, हम लोग वहां बैठ गए, बट किसी को नहीं पता था कि मैं ये चाहती थी, ये सिर्फ गुरुजी को पता था। और गुरुजी को जो चीज पता हो गुरुजी ना पूरी करे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है संगत जी। वो हमेशा ट्राई करते हैं कि हमारी हर चीज को पूरी करें, अगर कभी वो ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं, है ना। तो संगत जी मुझे वहां पर सीट मिल गई और मैं बैठ गई और मैं बहुत बहुत खुश थी उस दिन। और ऐसे जैसे मैं बैठी थी तो मैंने एकदम गुरुजी की तरफ देखा, सामने गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप था और क्रीम चोले में था, वही जिसके ऊपर गोल्डन वो छोटी छोटी सी बूटियां होती हैं वो। तो और बाय चांस मैंने भी उस दिन क्रीम सूट पहना हुआ था संगत जी, मैं बिल्कुल गुरुजी के सामने उस इतने बड़े स्वरूप के बिल्कुल सामने 1-to-1, है ना, और वो भी क्रीम चोले में और मैं भी क्रीम सूट में। वाह वाह गुरुजी, ये देखकर तो इतना मजा आया, मैंने कहा वाह गुरुजी क्या कर रहे हो। संगत जी अगर मैंने क्रीम चोला सूट डाला भी था तो मैं इधर भी बैठ सकती थी, उस साइड भी बैठ सकती थी, गुरुजी ने मुझे बिल्कुल अपने सामने बिठाया। अगर गुरुजी के सामने कोई बैठा था तो वो मैं थी, और गुरुजी और मैं हम दोनों की मैचिंग सेम थी, क्रीम क्रीम बिल्कुल प्योर क्रीम गुरुजी, प्योर क्रीम मैं। तो गुरुजी मोस्टली मेरे साथ मैचिंग कर लेते हैं,
है ना, मेरे मोस्टली कपड़े गुरुजी के साथ मैच कर ही जाते हैं संगत जी। तो ये था मेरा एक छोटा सा और सत्संग। तो संगत जी गुरुजी, अच्छा हाँ संगत जी, एक मुझे एक और थॉट हमेशा मेरे माइंड में रहता है कि जब भी मैं कोई न्यू सूट लेती हूँ, कुछ भी होता है ना, कुछ भी मैंने न्यू सूट लिया है, तो मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि मैं उसको सबसे पहले सत्संग में पहनूँ। जब मैं किसी सत्संग में जाती हूँ तो मैं उस सूट को पहनकर जाती हूँ। उसके बाद संगत जी मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरा सूट इतना ब्लेस हो गया, इतना ब्लेस हो गया ना, जहाँ मेरा कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट डे होता है, इम्पॉर्टेंट काम होता है जो होना जरूरी है, तो मैं उस दिन जरूर वही वाला सूट डालती हूँ जो मैंने सत्संग में डाला होता है। ये मेरा अपना मुझे मुझे लगता है ये चीज़ कि मैं अपना सूट मतलब रखती हूँ, जब न्यू सूट बनवाती हूँ या लेती हूँ उसको रखती हूँ कि जब सत्संग आएगा तो मैं सबसे पहले उसमें डालूंगी वो, फिर वो मेरा ब्लेस्ड हो जाएगा सूट। अब मैं संगत जी, अब मैं पता क्या करती हूँ, अब मैं ये सोचती हूँ मेरा ये भी सूट ब्लेस्ड है, ये भी ये भी ये भी, अब ये रह गया, ये रह गया, वो रह गया, तो संगत जी अब मेरे जो सूट रह गया, अब मैं उनको जब सत्संग आएगा तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं वो वाले सूट डालूँ और मेरी मेरे सारे कपड़े ब्लेस्ड हो जाए, और मेरे सच में मुझे ऐसे लगता है वो मेरे लक्की सूट्स बन जाते हैं। गुरु जी हर हर तरह से पता नहीं कैसे कैसे दिमाग चलाते हैं, मुझे तो उस खुद ही नहीं समझ आता है ना। तो संगत जी हाँ, और मैं जो मेरे ऐसे कुछ भी गुरु जी को लेकर कोई भी थॉट होता है तो मैं उसको ज़रूर लिख लेती हूँ, ये मेरी एक हैबिट है, ताकि कभी मैं सत्संग करूँ तो उसमें शेयर करूँ, जो चीज़ मुझे पता चल रही है वो औरों को भी पता चले। ऐसे है ना, हम भूल जाते हैं संगत जी, हमारे जो सत्संग होते हैं या हमारे एकदम से कुछ माइंड में चल रहा है, कोई थॉट दिया गुरु जी ने, बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स भी देते हैं, वो भूल जाते हैं कई बार, तो मैं उसको हमेशा डायरी में नोट कर लेती हूँ संगत जी। हाँ एक जो मेरे को बार बार लगता है कि गुरु जी ही कहलवाना चाहते हैं मेरे हर सत्संग में, मुझे ये बाद में भी याद आता है कई बार, तो चलो अच्छा अभी याद आ गया। संगत जी आप नीडी लोगों की ज़रूर हेल्प कीजिए, देखिए अगर आपने गुरु जी ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप किसी की हेल्प करें तो आप ज़रूर कीजिए। आप अगर रोड पे जाते हैं कोई बेगर, हाँ उनकी मत कीजिए जो बिल्कुल ठीक है, खुद कमाकर खा सकते हैं, उनकी हेल्प बेशक मत कीजिए, बट जो ओल्ड है या हैंडीकैप्ड है ऐसे लोगों की हेल्प ज़रूर कीजिए संगत जी, उनको कुछ ना कुछ ज़रूर दीजिए, कोई पैसा, कुछ खाने के लिए चीज़। उससे क्या होता है आपके कर्म कटने स्टार्ट हो जाते हैं, और जो संगत है, संगत को तो वैसे ही चाहिए कि ये ह्यूमैनिटी करते रहे, कि कुछ ना कुछ अच्छा काम करते रहे। संगत जी आपको ना सेटिस्फेक्शन मिलती है इन चीज़ों से, अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं आपको लगता है कि किसी को कोई ज़रूरत है तो आप प्लीज़ अगर पूरा कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, और ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी हेल्प करनी है, आप 10 5 15 रुपए जो दे सकते हैं उनको दीजिए, बुजुर्गों को ज़रूर दीजिए, बच्चों को बिल्कुल नहीं दीजिए, क्योंकि बच्चे जो हैं ये बैगिंग करके ये अपना फ्यूचर ख़राब करते हैं, और क्योंकि वो लोग उनको स्कूल जाना चाहिए, वहाँ पर बैगिंग करने से अच्छा वहाँ स्कूल जाएं ताकि उनका फ्यूचर बने। इन लोगों को मत दीजिए संग जी, जिनको ज़रूरत लगती है आपको कि वाकई में ज़रूरत है उनको ज़रूर हेल्प कीजिए। अपने आसपास कोई आपको ऐसे लगता है कि इसको फाइनेंशियल ज़रूरत है, हम थोड़ी बहुत इसकी हेल्प ऐसे कर सकते हैं, चलो कुछ कुछ चीज़ देकर कर दीजिए। अपने घर में जो आपके मेड्स आती हैं उनकी फैमिलीज होती हैं, देखिए वो मेहनत भी करते हैं और मेहनत करके कमाते हैं और फिर अपनी फैमिलीज चलाते हैं, तो उनकी देखिए हम लोग जो नॉर्मल हैं लोग जैसे जितना भी कमाते हैं बट फिर भी हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पाते ना संगत जी, हर एक को लगता है कि नहीं शायद मुझे इससे ज़्यादा भी ज़रूरत है, अभी मेरे ये खर्चे रुक गए, इस बार मेरे वो खर्चे, सबकी लाइफ में ऐसे होता है संगत जी। बट अब देखिए अब जो वो लोग हैं उनकी तो फैमिलीज भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और वो इतनी मेहनत करके भी अपने खर्चे नहीं पूरे कर पाते हैं, तो आप जब कभी हो सके उनकी हेल्प भी ज़रूर कीजिए। और एक और चीज़ संगत जी, अगर आप ये चीज़ कर, आप बर्ड्स को ज़रूर दाना डालिए, सतनाजा डालिए, रोटी डालिए, जो मर्जी डालिए, क्योंकि वो बेजुबान है, वो बिल्कुल मांगकर नहीं खा सकते। गुरुजी ऐसी चीज़ों से बहुत खुश होते हैं अगर हम किसी की भी हेल्प करते हैं। अभी जैसे आजकल तो चलो पानी नहीं पीते, तो आप उनको दाना डालिए डेली, गर्मी आ जाएंगी तो आप पानी भी रखिए और दाना भी ज़रूर डालिए, ये अच्छी अच्छी चीज़ें ज़रूर कीजिए संगत जी। हमें सबका भला करना है, सबके भले में भले के लिए ही सोचना है, सिर्फ अपना नहीं सोचना है, हमें सबका, जिस जिसका आपके माइंड में आता है कोई अच्छा थॉट आप वो कीजिए ज़रूर,
और बिना बताए कीजिए किसी को। ये नहीं है कि करने के बाद आप 10 लोगों से कहिए कि मैं ये काम करती हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं वो करता हूँ। नो संगत जी, चुपचाप कीजिए, अपने कर्म कटवाइए और गुरु जी आपसे इतने खुश हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे, और आपको इतनी इंटरनल पीस मिलेगी कि हाँ आज आप कुछ अच्छा काम करके आए हैं। ये तो संगत जी आप रूटीन ही बना लीजिए कि बर्ड्स को दाना जरूर डाला कीजिए, वो बेचारे किसी से नहीं मांग सकते। तो अगर आप डालना स्टार्ट करेंगे ना, आप देखेंगे वो कितने इकट्ठे हो जाते हैं। जब आप जाते हो डालने, उनको पता चल जाता है कि ये इंसान हमारे को दाना डालने आते हैं, तो वो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है। वो भी आपकी एज अ फैमिली बन जाते हैं संगत जी। और संगत जी, गुरु जी के कुछ वचन हैं, उनकी एक बुक है, आप उसको भी जरूर पढ़िए। गुरु जी के वचनों पे अगर हम चलते हैं तो गुरु जी हमेशा हमारा साथ देते हैं। लाइफ में प्रॉब्लम सबके आएंगी, आती रहती हैं, आती हैं जाती हैं, कोई बात नहीं। फालतू में किसी से आर्ग्यू मत कीजिए, क्या जरूरत है हमें किसी की भी लाइफ में इंटरफेयर करने की। इंटरफेरेंस भी मत कीजिए, जो अगर आपको कोई कुछ बताता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बताता है तो अपनी लाइफ में मस्त रहिए, गुरु जी के साथ मस्त रहिए, मंत्र जाप सुनिए, आपकी लाइफ। मुझे लगता है कि जो संगत है ना, संगत की लाइफ बाकी लोगों की लाइफ से अलग होती है, क्योंकि संगत का मेंटल जो पीस है वो बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत होता है मेंटल पीस संगत के पास। तो जो हम संगत हैं, हमें बिल्कुल ऐसे ही अपने आप को रखना है, किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना, किसी से आर्ग्यू नहीं करना। अगर हमें कोई बता दे कुछ तो ठीक है, नहीं तो अपने में मस्त रहिए। संगत जी अपनी इतनी बिजी लाइफ है, और संगत जी मुझे तो ऐसे लगता है कि गुरु जी ने मुझे इतना बिजी करके रखा है कि कभी मतलब मेरे पास तो संगत जी मुझे ऐसे लगता है सीरियसली टाइम ही नहीं है, अपने लिए भी टाइम नहीं है। कभी संगत जी मैं गुरु जी के भजन सुनती हूँ, कभी शब्द गुरबानी सुनती हूँ, और कभी मंत्र जाप लगा लेती हूँ, कभी डायरी में गुरु जी के लिए कुछ मेरा मन करता है तो मैं वो लिखने लग जाती हूँ, गुरु जी से रिलेटेड जो थॉट्स आते हैं वो लिखने लग जाती हूँ जब भी फ्री होती हूँ। और मतलब मेरे संगत जी हमें हमारे जो बच्चे हैं बहुत छोटे हैं, तो हमें अभी से चाहिए कि हम उनके अंदर अच्छे संस्कार डालें ताकि वो बड़े होके एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने, है ना। तो उन्हें हर गलत चीज के लिए रोकिए संगत जी, उन्हें गुरु जी की महिमा अभी से बताना शुरू कीजिए। देखिए वो कितने लक्की बच्चे हैं कि वो इतनी छोटी उम्र में गुरु जी के साथ जुड़ गए हैं। हम लोग तो इस एज में आकर अब जाकर गुरु जी को जानने लगे हैं कि गुरु जी कौन है, कैसे है। बच्चे देखिए कितने लक्की हैं कि कब से संगत जी गुरु जी के साथ जुड़ गए हैं। तो गुरु जी के साथ जुड़ने के साथ उनको अभी से ही उनके अंदर ये चीजें डालनी भी स्टार्ट कीजिए कि क्या ठीक है और क्या गलत है। संगत जी यही हमारा फ्यूचर बनेंगे बच्चे, उनका वो अभी से ही अगर अच्छी चीजों की तरफ चलेंगे, उनको पता होना चाहिए कि किसी को दुख नहीं देना है हमें, क्योंकि हम संगत हैं। संगत जी संगत होना एक बहुत बड़ी बात होती है, मुझे ऐसे लगता है सीरियसली संगत बनना इतना इजी नहीं है। अगर गुरुजी चुन लेते हैं तो बहुत बहुत लकी होते हैं। और हमेशा खुश रहिए संगत जी, पॉजिटिव रहिए, और छोटी छोटी बातों पे हंसा कीजिए, अच्छी अच्छी बातें सुना कीजिए। जहां पर कोई नेगेटिव बात हो रही है आप ट्राई कीजिए कि वहां से चले जाइए, अपने आप को बिजी कर लीजिए। अगर आप ये चीजें फॉलो करेंगे ना संगत जी, आप इतने खुश रहेंगे, आपका माइंड इतना काम रहेगा, इतने आपको बाहर की दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं होगा। हाँ आप सबके साथ उठेंगे बैठेंगे, पर जो आपका एक लेवल है थिंकिंग का वो बाकियों से अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। संगत जी गुरु जी के साथ जुड़े रहिए, गुरु जी के साथ बहुत मजा है, लाइफ बहुत अच्छी है, और गुरु जी के स्वरूप की अगर आपको मन उदास होता है, संगत जी गुरु जी का स्वरूप देख लीजिए, वो हमेशा स्माइल करते रहते हैं। मुझे तो सच में मेरे फेस पे स्माइल आ जाती है जब मैं गुरु जी की तरफ देखती हूँ। अभी भी जब मैं सत्संग करते करते गुरु जी की तरफ देखती हूँ ना, तो मुझे सच में हंसी आ जाती है। गुरु जी स्माइल करवाते रहते हैं हमेशा, इतने प्यारे हैं ये गुरु जी। तो संगत जी मैंने एक स्मूदनिंग का सत्संग शेयर किया था, अगर कुछ लोगों ने सुना होगा तो कोई बात नहीं, दोबारा सुन लीजिए। संगत जी मुझे ना सितंबर में बालों की अपने हेयर स्मूदनिंग करवानी थी, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं कब करवाऊं। तो क्या हुआ, एक दिन मैं ऑफिस में बैठी थी और मैंने अपने स्क्रीन पे गुरु जी का स्क्रीन सेवर लगाया हुआ है, तो मैंने गुरु जी से बैठकर पूछा, क्योंकि उन दिनों में ह्यूमिडिटी भी थी और मुझे दिल्ली जाना था, ट्रेवल करना था,
तो मैं सोच रही थी कि वापिस आके करवाऊं या करवा के जाऊं, तो मैं कंफ्यूज थी। संगत जी, आप भी जब भी कंफ्यूज होइए हमेशा गुरु जी से पूछिए, गुरु जी तो बहुत अच्छा रास्ता देते हैं निकाल कर। तो मैंने संगत जी गुरु जी से पूछा कि गुरु जी आप बताओ मैं कब करवाऊं स्मूथनिंग, मुझे किसी से जवाब दिलवा दो। तो संगत जी इतने में मेरे ऑफिस में मेरी एक फ्रेंड है, वो आकर मेरे पास बैठती है। विद इन 5 मिनट्स ये हुआ और उसने आकर मुझसे सबसे पहले ये पूछा कि मैम आपने स्मूथनिंग नहीं करवानी। ठीक है, मैंने शेयर किया था ऑफिस में 3-4 दिन पहले से कि मैं स्मूथनिंग करवाऊंगी, सोच रही हूँ कब करवाऊँ, जस्ट नॉर्मली जैसे हम बात कर लेते हैं वैसे। पर इतने दिनों से तो उसने मुझसे नहीं पूछा, जैसे ही मैंने गुरुजी से पूछा इतने में वो मेरे पास आकर मुझसे पूछती है आपने स्मूथनिंग कब करवानी है। संगत जी मुझे तो सच में इतनी हंसी आ गई और इतनी खुशी हो गई, मैंने कहा शायद थैंक यू, जय जय गुरुजी, थैंक यू। तो मैंने पूछा अच्छा आप बताओ मैं कब करवाऊं स्मूथनिंग। तो कहती वो हंसने लग गई कि मुझे क्यों पूछ रहे हैं, मेरे कहने से थोड़े ना करवाएंगे। तो कहती कि ना आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो। मैंने कहा नहीं जस्ट वैसे ही पूछ रही हूँ, बताओ मैं कब करवाऊँ। कहती आज करवा लो। मैंने कहा अच्छा आज करवा लूँ। मैंने कहा ठीक है थैंक यू। कहती क्या हुआ। तो मैंने कहा ये मेरे गुरुजी का जवाब था, मैंने अभी अपने गुरुजी से पूछा था कि मैं स्मूथनिंग कब करवाऊं, इतने में आप मेरे पास आके बैठ गए, तो ये गुरुजी ने आपको लाया यहाँ पे मेरी सीट पे मुझे जवाब देने के लिए। तो संगत जी वो भी बहुत हैरान हुई और वो भी कहीं ना कहीं गुरुजी से जुड़ी हुई है, वो मंत्र जाप सुनती है सब कुछ। तो ऐसे ऐसे गुरुजी महिमा दिखाते हैं अपनी, छोटी छोटी बातों को आपको आंसर कर देते हैं। संगत जी हम हैरान हो जाते हैं कि गुरुजी ये वाली बात भी सुन रहे थे ऐसे। संगत जी अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो और आप कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि हम जॉब करें या बिजनेस करें, कुछ भी डिसीजन, शादी का डिसीजन है कि ये रिश्ता ठीक है या वो रिश्ता ठीक है, जो भी आपके मन में कंफ्यूजन हो, आप एक बार मेरे कहने पे आप गुरु जी के आके बैठिए, गुरु जी से बात कीजिए 1-to-1। संगत जी गुरु जी को गुरु जी कैसे सुनते हैं, गुरु जी तब सुनते हैं जब हम उनसे मन में बात करते हैं। आप एक बार मन में बात करके देखिए, आपने बोल कर नहीं कहना उसके गुरु जी ये ऐसे ऐसे बात है, नो। संगत जी आप मन में एक बार, क्योंकि उस टाइम संगत जी हमारी आत्मा बात करती है गुरु जी के साथ, तो जब आत्मा बात करती है तो गुरु जी डायरेक्ट वो डायरेक्ट कनेक्शन कहीं ना कहीं बन जाता है। उस टाइम आपने कुछ नहीं सोचना, साइलेंटली जाकर गुरुजी के पास बैठना है पहले 2-3 मिनट, फिर उसके बाद अपने मन अपनी आत्मा से बात करवानी है। गुरुजी हमारी आत्मा बोलेगी गुरुजी के, गुरुजी आप बताओ मैं सोच रहा हूँ या मैं सोच रही हूँ कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ या जॉब करूँ, मेरे लिए क्या चीज अच्छी है, या मेरे लिए ये रिश्ता अच्छा है या वो रिश्ता, जो भी आपकी लाइफ में डिसीजन आप सोच मतलब ले नहीं पा रहे हैं, आप गुरुजी से पूछिए वो। और संग जी आप मेरा आप बिलीव कीजिए गुरुजी आपको जरूर जवाब देंगे, आपको थॉट आ जाएगा एक स्ट्रांग थॉट जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं गुरुजी, यही ये गुरुजी का जवाब था। थॉट्स तो बहुत सारे आते हैं बट वो थॉट ऐसा होगा जब आपको आवाज आएगी कि हाँ यही गुरुजी का जवाब है। अगर वो थॉट नहीं आया तो गुरुजी पूरे दिन में आपको किसी ना किसी से आंसर जरूर दिलवाएंगे कि ये ठीक है था, ये चीज आपके लिए ठीक है। और जब आप उस तरफ प्रोसीड करेंगे लाइफ में, तो उससे पहले भी एक बार गुरुजी को जरूर बैठकर कह करके, गुरुजी अगर आप जॉब स्टार्ट करने जा रहे हैं कि गुरुजी कल से मेरा फर्स्ट डे स्टार्ट है या आज से मेरा फर्स्ट डे स्टार्ट है, अब आपको मेरे साथ रहना है। और अगर बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं तो गुरुजी आज से मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आपको मेरे साथ रहना है। तो फिर संगत जी आप मान के चलिए कि आप उस जॉब में या उस बिजनेस में किस हाइट को छुएंगे आप खुद नहीं सोच सकते, आपका इतनी अच्छे से चलेगा सारा कुछ क्योंकि वो चीज आपको गुरुजी ने दी होगी। एक बार करके देखिए, जो रिश्ता अगर सोच आपको कोई समझ नहीं आ रहा कि हमारे लिए ये ठीक है या वो, आप गुरुजी पे छोड़कर उसके बाद देखिए, उनसे पूछिए कि गुरुजी बताइए कौन सा, और आपको जवाब देना है गुरुजी मुझे, और देखना वो कितना सक्सेसफुल होगा। संगत जी ये बात 110% काम करती है, 100 में से 110% काम करती है। संगत जी इतनी पावर है गुरुजी के अंदर, गुरुजी को लेने दीजिए अपने डिसीजन, लेकिन उनसे हमेशा मन में बात कीजिए। अगर आप उनसे मन में बात करते हैं ना, तो आप फील करेंगे कि गुरुजी सुनते हैं,
कितनी बार संगत जी ऐसे होता है जैसे मैं बैठी हूँ और जैसे ये मेरे ये वाले गुरु जी है, मैं यहाँ डाइनिंग टेबल पे बैठी हूँ, सपोज ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, तो मैं ऐसे मन में बात करती हूँ कि गुरु जी ये था मन में, ये क्या है, ये कैसे होगा, ये हो, तो संगत जी मुझे जरूर उनका जवाब, जब मैं मन में बात कर लेती हूँ ना तो मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ कि ठीक है आप गुरु जी जरूर देंगे जवाब। अगर मैं ऐसे बोलती हूँ ना गुरु जी ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे गुरु जी ने सुना होगा। अपना अपना कनेक्शन है, मेरा कनेक्शन इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये जब हम मन से बात करते हैं वो गुरु जी जल्दी सुनते हैं। और संगत जी अपना मंत्र जाप बिल्कुल नहीं छोड़ना, सुबह शाम एटलीस्ट 7 टाइम्स तो आपको करना ही करना है। संगत जी गुरु जी कहते हैं कोई फाउंडेशन नहीं है, बट ये जस्ट वैसे ही है कि आप 7 बार कर लीजिए, इससे क्या होता है एटलीस्ट आपने नाम तो ले पाएंगे ना गुरु जी का, किसी दिन आपके पास कम टाइम है तो 7 बार का एक वैसे ही रख लीजिए कि चलो 7 बार तो मुझे करना ही करना है। 7 नंबर तो वैसे ही गुरु जी का लक्की नंबर है ना संगत जी। तो मंत्र जाप जरूर कीजिए, कर्म कटेंगे आपके, काम रुके हुए सारे काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे आप जितना मंत्र जाप करेंगे। अगर आप कहीं शॉप पे बिजनेसमैन हैं, कहीं जॉब करते हैं, कहीं पे भी, सबसे पहले जाकर अपने ऑफिस में, अपनी शॉप पे, अपने शोरूम में, जहां पर भी जाते हैं आप, गुरु जी का मंत्र जाप लगाइए संगत जी अपनी सीट पे बैठकर अपनी वहां पर, उसके बाद अपना काम करना स्टार्ट करिए, तो देखिए संगत जी आपको कितना अच्छा लगेगा। और वैसे भी अगर मंत्र जाप चलता रहता है ना, अगर आप सारा दिन भी उसको चलाए रखेंगे तो कोई बुराई नहीं है, धीरे 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 सुनते रहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मंत्र जाप ही सुनते रहिए और कुछ मत सुनिए, नो, फाउंडेशन तो है ही नहीं हमारे गुरु जी में। जो आपका मन करे आप वो कीजिए, अगर आपको, आप नहीं चाहते इस टाइम के चलो मुझे सारा दिन नहीं मंत्र जाप सुनना, तो आप अपने सॉन्ग सुनिए, अपनी मूवीज भी देखिए, सब कुछ कीजिए संगत जी जो आपका मन करता है, पर बिल्कुल टेंशन फ्री होके कीजिए, विदाउट एनी फाउंडेशन कीजिए। और लोगों के किसी के भी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बातें मत शेयर कीजिए, ना ज्यादा सुनिए, और उनको राइट पाथ दिखाइए कि जिसको आप या तो हमारे गुरु जी की शरण में आइए, अगर आपको लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है आप हमारे गुरु जी की शरण में आइए, अगर आप नहीं आना चाहते गुरु जी की शरण में, आप नहीं जानते गुरु जी को, तो आप जिनको मानते हैं आप उनकी शरण में जाइए, वहां अरदास कीजिए, तो आपकी जरूर सुनेंगे, सब सब भगवान सुनते हैं, ऐसा नहीं है, विश्वास अपना अपना होता है संगत जी। तो संगत जी मैंने ये सब, हाँ संगत जी एक चीज और, कि अपने घर में आप जैसे अब कोविड टाइम चल रहा है तो हम सत्संग पे नहीं जा पा रहे हैं, तो संगत जी आप अपने घर में सत्संग कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि हम कहीं जाएंगे तभी सत्संग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने घर में जितने भी मेंबर्स हैं, 4 5 6 जो भी हैं आप, वो अपने घर में बैठकर एटलीस्ट मंथ में एक बार गुरु जी का सत्संग जरूर कीजिए संगत जी। उसमें आपको किसी को भी अगर आप नहीं बुलाना चाहते, क्योंकि इस टाइम पे वैसे ही कहते हैं कि थोड़ा ट्रांसमिशन फास्ट चल रहा है कोविड का, तो मत बुलाइए किसी को भी, आप अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, कभी कभी कई बार होने का, अभी जी राज जी मैं अभी आपसे बात करती हूँ, अभी बताती हूँ, तो आप अपने घर में सत्संग जरूर कीजिए। ये सत्संग की प्लेलिस्ट आती है वो लगाइए, चाय प्रसाद बनाइए और लंगर प्रसाद बनाइए, थोड़ा सा बना लीजिए, ज्यादा नहीं बना सकते अगर कि चलो कम लोग हैं, तो थोड़ा जो 2 3 आइटम्स जो आप इजीली बना सके वो बना लीजिए, और अपने घर में ये करके देखिए संगत जी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पॉजिटिविटी लगेगी। अपने घर में मंथ में एक बार सत्संग जरूर करिया कीजिए, उससे आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी गुरु जी की, और गुरु जी भी बहुत खुश होंगे कि चलो ये संगत मुझे याद करती है। और संगत जी पता क्या है, जैसे हम सिर्फ अपने मेंबर्स बैठकर करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि उसमें हम ज्यादा ध्यान लगा पाते हैं, ठीक है संगत को बुलाना भी बहुत अच्छी बात है, आप जरूर बुलाइए अगर आप बुलाना चाहते हैं, पर अगर आप घर में भी बैठे हैं तो उसमें क्या है, आपको आराम से आपका ध्यान लगता है सिर्फ गुरु जी के। सब लंगर प्रसाद पहले बना के रख लीजिए, और जब भी लंगर प्रसाद बनाइए तो उस टाइम मंत्र जाप जरूर चलाइए संगत जी, मंत्र जाप चलते चलते ही लंगर प्रसाद बनाइए, तभी वो लंगर प्रसाद बहुत ब्लेस्ड बनता है। तो राज जी आप कह रहे थे कि कभी कभी रोने को जो मन करता है, तो कोई बात नहीं, अगर आपका रोने को मन करता है तो आप प्लीज रो लीजिए। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार मेरा गुरुजी के आगे बैठकर रोने को मन करता है तो मैं रो लेती हूँ,
उससे संगत जी हमारे कर्म कटते हैं गुरु जी, हमारा दर्द जो दिल में होता है जो हम नहीं कई बार शेयर कर सकते, आप गुरु जी से शेयर कीजिए कि गुरु जी मुझे ये परेशानी है, उसको शेयर करते हुए अगर आपको आंसू आते हैं तो आप रो लीजिए, उसका कोई फर्क, कोई नुकसान नहीं पर है संगत जी, अगर आप रो लेंगे आपके कर्म कटते हैं, गुरु जी आपके कर्म कटवाने के लिए ही आपको रुलाते हैं। जिसको गुरु जी मुझे ऐसा लगता है बहुत प्यार करते हैं उसको रुलाते हैं कि हाँ रोकर तू जल्दी जल्दी से अपने कर्म काट ले, क्योंकि मुझसे तू ज्यादा परेशान भी नहीं देखे जाते हो तुम लोग, तो जिसको रुलाते हैं उसके कर्म जल्दी कटवाते हैं, कि गुरु जी को लगता है कि इससे ज्यादा परेशानी नहीं हैंडल होगी तो इसको रुला देता हूँ। तो कोई बात नहीं राज जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप रो लिया कीजिए। जितना हम संगत जी गुरु जी के आगे झुकते हैं उतना हम बाहर, गुरु जी हमारी उतनी हम उठते हैं बाहर, ये बात 100% है। जितना आप सिर झुकाएंगे उतना गुरु जी आपको कहीं और मौका नहीं देंगे सिर झुकाने का, आप सिर्फ गुरु जी के आगे सिर झुकाइए, आपको किसी के आगे कुछ भी सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। जो गुरु जी हैं वो अपने आप सारी चीजें पूरी करते हैं। अगर इनके सपोज आपकी कोई हेल्प कर रहा है किसी चीज में, किसी भी एक्स वाई जेड किसी भी चीज में, तो वो इंसान नहीं कर रहा है, वो गुरु जी करवा रहे हैं। इसलिए सिर्फ गुरु जी के आगे अरदास कीजिए, गुरु जी के आगे सिर झुकाइए, अगर रोना है तो गुरु जी के आगे रोइए। अगर आप गुरु जी के आगे रोते हैं तो गुरु जी आपको किसी के आगे नहीं रोने देते। गुरु जी के आगे अगर हम रोएंगे तो किसी को नहीं पता चलेगा कि हम रोए थे और हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाते हैं। अगर हम बाहर किसी के आगे रोते हैं संगत जी तो उसमें हमारी ही इंसल्ट है, कोई भी किसी का दर्द नहीं समझता है आज की दुनिया में। इसलिए प्लीज ये चीजें हमें बिल्कुल बंद करनी है, किसी को अपना दर्द नहीं सुनाना, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ने, किसी के आगे नहीं रोना। हाँ बहुत ज्यादा हम्बल बन के रहना है, ये नहीं है कि हमें बिल्कुल अपनी ईगो में रहना है, नो ऐसा नहीं मैंने कहा संगत जी, मेरा ये है मकसद कहने का कि आप हमेशा बहुत डाउन टू अर्थ रहिए, गुरु जी की शरण में रहिए और एक अच्छे तरह से अपनी लाइफ निकालिए। बिल्कुल गुरु जी के आगे कीजिए जो भी परेशानी आपको अपनी सॉल्व करवानी है या जो भी है। तो यही मेरे छोटे छोटे से सत्संग और थॉट्स थे संगत जी, जो बुलवाया वो गुरु जी ने बुलवाया, क्योंकि मैंने फिर से सत्संग स्टार्ट होने से पहले भी मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि गुरु जी जो बुलवाओगे आप बुलवाओगे, मुझे कुछ नहीं आता बोलना, मैं बहुत बुद्धू हूँ, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी, तो ना ही मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस है जो है सब गुरु जी का है ये। और जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी संगत जी, मंत्र जाप और अमृत वेला जरूर कीजिए। अब मौसम भी क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, तो आप जरूर स्टार्ट कीजिए, चाहे मॉर्निंग में 5:30 स्टार्ट कीजिए, 5:15 कीजिए, ज्यादा जल्दी अगर नहीं कर सकते पर जरूर कीजिए संगत जी। रात को 11 से 2 में गुरु जी का नाम लेते हुए क्या मैं मॉर्निंग में अमृत वेला करूं? सॉरी मुझे समझ नहीं आया, रात को 11 से 2 में गुरु जी का नाम लेते हुए क्या मैं मॉर्निंग में, ओके अगर आप 11 से 2 करते हैं कोई बात नहीं राज जी, अगर आप ऐसे करते हैं तो यही सही, जैसे आपसे गुरु जी करवाते हैं वैसे कीजिए, किसी से वैसे पूछने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपने गुरु जी पे विश्वास कीजिए, अपने गुरु जी के आगे बैठ के पूछिए कि गुरु जी आप बताइए आपको ये ठीक लगता है या वो, गुरु जी सब बताएंगे राज जी और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देंगे आपको। गुरु जी सबको ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना, मेरा लख लख शुक्राना। ये मेरे आज के सत्संग थे, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरु जी, बहुत जल्दी सुनते हैं, बिल्कुल जी अनु सोनी जी, गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत जल्दी अरदास सुनते हैं, करके तो देखिए, जो नहीं करते हैं वो प्लीज करके देखिए, गुरु जी पे विश्वास करके देखिए। और जिनको आप मान, सपोज आप पहले किसी और को मानते थे, अब आपको, कई लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले हम इन्हें मानते थे अब हम गुरु जी को कैसे माने, ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। मैं भी जैसे मैं पहले जिनको मानती थी मैं अभी भी उनको भी मानती हूँ और गुरु जी को भी मानती हूँ, ताकि आपको ये भी ना लगे कि हमने शायद कुछ ऐसा गलत तो नहीं कर दिया। वैसे तो गुरु जी ही गुरु जी है, गुरु जी सारे देवी देवता जो है गुरु जी के अंदर है, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं ना कहीं माइंड में डर आता है या कुछ आता है तो कोई बात नहीं, आप गुरु जी को भी मानिए और उनको भी मानिए,
बस मेरा यही आपसे कहना था। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।